सुनो भाई देखो, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास डिसऑनर्ड ऑफ बिल है। ठीक है, सुनो, डिसऑनर्ड ऑफ बिल का मतलब पहले मैं तो बता रहा हूँ कि भाई डिसऑनर्ड ऑफ बिल का मतलब क्या है, पहले लिखवा चुका हूँ स्टार्टिंग में कि भाई डिसऑनर्ड ऑफ बिल का मतलब है कि जब जो ड्रॉई होता है, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया होता है, जब वो पेमेंट करने से मना कर देता है या फिर पे नहीं कर पाता। ठीक है, एक देखो ऐसा हो सकता है या तो उसने मना कर दिया, दूसरा ऐसा हो सकता है वो पे नहीं कर पाया, उसके पास पैसे नहीं है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे सुनो भाई, हमारे पास होता क्या है, इसमें बहुत सारे केस हो सकते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं तुम्हें पहला बोलूँ, मतलब तो पहले ओरली बता दे रहा हूँ क्या क्या केस हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि वो बोले भाई थोड़ा और टाइम दे दे। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है वो बैंक करप्ट हो गया पूरा। भाई बैंक करप्ट होने का पता मतलब क्या होता है, उसके पास पैसा ही नहीं है, कुछ भी कर लो उसके पास पैसा है नहीं, तो उसको जान से तो मार नहीं सकते। तो अगर बैंक करप्ट हो गया तो भाई बैंक करप्ट अगर कोई हो जाता है ना, तो उसको मतलब कि जो कोर्ट है वो उसको डिक्लेयर करते कि भाई ये बंदा बैंक करप्ट हो गया, इसको कोई फोर्स नहीं करेगा पैसे के लिए। ठीक है, तो मतलब कि जब तुम बिजनेस की लाइन में अगर उतरते हो ना, उस टाइम तो भाई बात पता लगेगी कि बैंक करप्ट होने का मतलब क्या। अगर तुमने जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, ठीक है, और तुमने अपने आप को बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहीं से पैसा नहीं ला सकता और मैं काम करने के लायक भी नहीं हूं कि मैं मतलब काम करूं फिर पैसा कमा के दे दूं लोगों को, तो उस केस में क्या होता है, तुम कोर्ट के पास जाओगे कि भाई प्लीज डिक्लेयर मी एज अ बैंक करप्ट। तो वो क्या है, बैंक तो जो बैंक है वो बैंक करो, मैं जो कोर्ट है, कोर्ट तुम्हें बैंक करप्ट डिक्लेयर कर देगी। और डिक्लेयर करने के बाद ना कोई भी पर्सन मतलब बैंक डिसाइड करेगी कि तेरे पास इतना इतना पैसा है, सबको कम से कम आधा आधा दे दे। जैसे मान लो तूने जिससे 10,000 रुपये लिए उसको 5,000 दे दे, जिससे तूने 1 लाख लिए उसको तू ये मान लो 50,000 दे दे। इस तरीके से बैंक के वो जो कोर्ट है वो डिसाइड कर देती है कि भाई तू इसको इतने इतने रुपए दे दे, बाकी मैं देख लूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास बात है, पहले बताओ बैंक करप्ट का मतलब पता लगा किसे बोलते हैं। भाई बैंक करप्ट का सिंपल सा मतलब है, जब भी कोई कोर्ट किसी पर्सन को डिक्लेयर करते कि भाई इसके पास पैसा नहीं है अब, तो उस पर्सन को हम क्या बोल देंगे, बैंक करप्ट बोल देंगे उस पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, पहले जो मैं तुम बताऊंगा कि मतलब जब हमारे पास क्या है कि जो डिसऑनर्ड ऑफ बिल है, वो पहले हेडिंग डालो एक बार दोबारा से कि डिसऑनर्ड ऑफ बिल। डिसऑनर्ड ऑफ बिल, सुनो भाई, यहां पे जो हम डिसऑनर्ड ऑफ जो बिल पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पहला वाला केस पढ़ेंगे। पहला केस कौन सा था कि जब हम क्या करते हैं, बिल को रखते हैं टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, मतलब कि पहला वाला केस जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था कि भाई जो ड्रॉवर है उसने अपने जो बिल है उसे अपने पास रखा है एंड तक। जैसे मान के चलो मैं ऐसा बोल दूं, एक है मेरे पास राम, जिसको हम ड्रॉवर बोल सकते हैं, दूसरा मेरे पास श्याम है, एक राम है दूसरा श्याम है, इसको ड्रॉई बोलेंगे। ठीक है, तो भाई राम ने श्याम को पहले सामान बेचा था, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, और भाई वो जो बेचा है उसने 10,000 रुपए का बेचा है। राम ने श्याम को सामान बेचा, उसके बाद राम ने एक बिल बनाया और बिल दिया इसने श्याम को। ठीक है, और श्याम ने उसको एक्सेप्ट करके इसको वापस कर दिया, तो इसके पास जो बिल आया है वो है बिल्स रिसीवेबल, और इसके पास जो बिल होगा वो होगा बिल्स पेबल। ठीक है भाई, इतनी बात तो पहले बहुत बार बता चुका हूं कि बिल्स रिसीवेबल और जो बिल्स पेबल है वो क्या क्या है। अब सुनो भाई, बिल्स जो रिसीवेबल जो होगा दोनों के पास, मतलब कि एक के पास रिसीवेबल एक के पास जो पेबल, वही 10,000 का होगा। अब ना मान के चलो ये जो ट्रांसैक्शन हुई थी ना, जो बिल्स ने दिया था वो ये मान लो कि भाई 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को इसके पास बिल आया था, और जो श्याम श्याम ने बोला भाई मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए। ठीक है, तो बिल का ना भाई एक कानून है जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये बोलता है कि तुम्हें 3 डेज ऑफ ग्रेस देना जरूर है, 3 डेज ऑफ ग्रेस तुम्हें देना पड़ेगा। तो उसने देखा भाई ठीक है, अप्रैल का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना, ठीक है, तो 4 अगस्त को 2021 भाई इस टाइम जो है ना इसको पैसे मिल जाने चाहिए, राम को इस टाइम पैसे मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो अब जो है भाई राम ने देखा कि अगर इस टाइम पैसे मेरे को मिलते हैं, ठीक है, तो इसको भाई कोई दिक्कत नहीं है,
ये गया इसी तारीख को गया श्याम के पास, भाई ये पैसे दे दे। जो राम है देखो बिल इसके पास आया था 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को, तो अप्रैल का पूरा महीना चला गया, 3 महीने की बात थी, ठीक है। अप्रैल का पूरा महीना चला गया, मई का पूरा महीना चला गया, जून का पूरा महीना चला गया, अप्रैल मई जून, तो जुलाई आएगा भाई यहाँ पे। सुनो, अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, फिर जून का पूरा महीना, ठीक है। तो जून तक तो खत्म, फिर 3 दिन देते हम डेज ऑफ ग्रेस के, तो 3 दिन छोड़ देंगे। जो मेरे पास जुलाई का पहला दिन छोड़ेंगे, 1 तारीख छोड़ देंगे, दूसरी छोड़ देंगे, 3 दिन छोड़ देंगे, तीसरी तारीख तक हम क्या उसको छोड़ देंगे, 4 तारीख को हम जाएंगे उसके पास पैसे लेने के लिए। ला भाई पैसे दे दे अब। तो ये जो हमारे पास है पैसा लेने के, हम किसके पास, श्याम के पास कब जाएंगे, 4 जुलाई को जाएंगे। तो भाई इस तारीख को हम गए श्याम के पास, ला भाई पैसे दे। भाई इसने जो राम है उसने बोला गिव मी द मनी, ठीक है। बताओ भाई 4 जुलाई को क्या है कि इसने क्या बोला कि भाई पैसे दे हमें। तो अब जो इस केस में होगा हमारे पास कि हम अगर सो पैसे मांगते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे श्याम पैसे दे देता है तो नॉर्मल केस हो जाएगा, ठीक है, जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में करा चुका हूँ। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, डिसऑनर्ड ऑफ बिल, हम डिसऑनर्ड ऑफ बिल पढ़ रहे हैं। तो भाई इस केस में अगर श्याम ने पैसे नहीं दिए, श्याम ने पैसे नहीं दिए तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास है पहले केस में हम एंट्री क्या पास करेंगे, भाई श्याम ने इस टाइम बोला आई डोंट हैव मनी, श्याम ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, ठीक है, श्याम ने बोला भाई पैसा नहीं है मेरे पास। तो अब जो है राम क्या बोलेगा, राम देखो 2 से 3 चीज बोल सकता है। एक तो अब तो जितना महीना लेट देगा ना उस पर इंटरेस्ट दे मेरे को, ये तो पहला ये बोल सकता है। दूसरा ये बोल सकता है चल कोई ना तू मेरे को ना 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे दे, ऐसा बोल सकता है। तीसरा बोलेगा कोई नहीं जितना का है ना तो 2 महीने बाद दे दियो, इस तरीके से। तो अब सुनो भाई मेरे पास क्या 3-3 केस अराइज हो सकते हैं, हम तीनों के तीनों केस को कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास पहला क्या है भाई, इस टाइम ना जो पहला जो केस अराइज होता है, केस अराइजेस भाई, पहला जो मेरे पास हो सकता है व्हेन एक्स्ट्रा चार्ज, जिसको भाई नोटिंग चार्ज बोलते हैं, नोटिंग चार्ज, व्हेन एक्स्ट्रा चार्ज इज चार्ज्ड, भाई जब क्या कि जब एक्स्ट्रा जो चार्ज है हम उसको चार्ज करते हैं ना, तो इस उस केस में क्या होता है। और जो दूसरा मेरे पास है अगर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, तो दूसरा क्या हो सकता है मेरे पे, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। तीसरा क्या होगा, व्हेन नो चार्ज इज चार्ज्ड। बताओ भाई देखो ये बात समझ आ रही है, पहला हम क्या करेंगे, पहला अगर हम कोई सा चार्ज मतलब कि अगर हम नोटिंग चार्ज लेते हैं तो उस केस में क्या बात पड़ेगी। दूसरे में अगर मैं जो राम है वो इससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो क्या बात पड़ेगी। और तीसरा मेरे पास जब भाई कोई सा भी चार्ज हम नहीं लेते हैं उस टाइम क्या बात पड़ती है, बताओ ये बात समझ में आ रही है। तो हम ना क्या है सबकी एंट्री एक एक करके करेंगे, तो हम देखेंगे दोनों के अकाउंट में क्या क्या फर्क पड़ता है, बात समझ में आ रही है। तो अब सुनो देखो पहले इतनी बात तुम्हें पता लग गई होगी, देखो इसके बाद ना हम क्या इन तीनों की एंट्री करेंगे। पहले मैं राम के अकाउंट में मतलब कि ड्रॉअर के अकाउंट में एंट्री कर दूंगा, दूसरा मेरे पास फिर जो श्याम है उसके अकाउंट में एंट्री करूंगा, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे समझना क्या भाई, पहला कर रहा हूं इन द बुक्स ऑफ, अच्छा भाई मैं इन तीनों केस का बताऊंगा क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहला मेरे पास क्या है, इन द बुक्स ऑफ राम, ठीक है, राम क्या है मेरे पास ड्रॉवर है। भाई अगर मैं इसके अकाउंट में एंट्री करता हूं, ठीक है, सबसे पहला उठाता हूं मैं इसके पास, देखो तुम्हें पता है कहां तक की एंट्री आती होगी, जब इसके पास बिल आ गया होगा वहां तक की एंट्री आती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। देखो पहला क्या है कि इसने सेल की एंट्री करी होगी, ठीक है, तुम्हें पहले सेल की एंट्री पता होगी कि सेल वो कैसे करता है, सेल मतलब कि पहले भाई सेल का तुम्हें पता होगा। दूसरा जब उसके पास बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड हो जाता है, भाई ये दो एंट्री पता है, दोबारा कराऊं
ठीक है, तो सेल्स और जो बिल्स रिसीवेबल है इसकी एंट्री नॉर्मल पता होती है। पहले सेल की एंट्री क्या होगी भाई, श्याम अकाउंट, जो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, और फिर जाके अगर बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुआ तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, इस तरीके से होगा। अब मेरे पास ना भाई तीसरा जो आता है, जो तीसरी एंट्री, तीसरे में आएगा व्हेन बिल्स रिसीवेबल इज डिसऑनर्ड। ठीक है भाई, जब जो वो क्या है पेमेंट देने से मना कर रहा है, ठीक है, जब ना श्याम जो है वो पैसे देने से मना कर रहा है। हमारे पास ना यहाँ पे ये तीन केस है भाई, देखो हम उससे पैसे तो एक्स्ट्रा, इन दोनों में तो एक्स्ट्रा पैसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ना इन सब के जो एक एक बताता हूँ कि भाई क्या क्या हो सकता है। पहले मैं तुम्हें ये दो पहला कवर करा रहा हूँ कि अगर हम उससे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे तो क्या करेंगे, दूसरा अगर मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ तो क्या करेंगे। ठीक है, आप सुनो भाई, यहाँ पे पहले तो मैं जो सिर्फ नॉर्मल एंट्री बता रहा हूँ कि सिर्फ बिल अगर डिसऑनर्ड हो गया ना उस टाइम क्या करना है। अब सुनो, बिल डिसऑनर्ड हुआ, सबसे पहले जो मेरे पास ये जो है श्याम है, जो ड्रॉई है, दोबारा मेरा डेटर बन जाएगा। देखो पहले मेरा वो क्या है कि डेटर खत्म हो गया था, उसने मुझे बिल दे रखा था, उसने मुझे था बिल, जो बिल्स डिसेबल है डेटर ने, मतलब जो श्याम है उसने पहले मेरे को दे रखा था, अब उसने बिल पे पेमेंट देने से मना कर दी। चार तारीख को ही था भाई, अगर उसने पेमेंट नहीं दी बिल की कोई वैल्यू नहीं आती, बिल पूरा खत्म, वो दोबारा से मेरा डेटर बन जाएगा श्याम। अगर चार तारीख उसने पेमेंट नहीं करी तो श्याम क्या चार तारीख को दोबारा से मेरा डेटर बन जाएगा। अब भाई अगर चार तारीख को मेरा डेटर बन गया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डेटर मेरे पास क्या असेट्स होती है, डेटर क्या होता है असेट्स, दोबारा असेट्स बढ़ गई मेरे पास और एक असेट्स हो गई कम। कौन से असेट्स कम हुई, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल नाम की असेट्स कम हो गई और जो दोबारा से मेरा डेटर बन गया। तो यहां पे क्या करूंगा भाई, मैं श्याम का अकाउंट पहले डेबिट करूंगा, श्याम अकाउंट डेबिट, ठीक है भाई। दूसरा है मेरे पास जो बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भाई। अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर मैं उससे कोई सा भी चार्ज लेता हूं ना, मैं उसको यहां पे लिखूंगा, बात समझ आ रही है, अगर मैं कोई सा भी चार्ज उससे लेता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है। जैसे पहला चार्ज मैं लिखा कि मैं लिख दूंगा नोटिंग चार्ज लूंगा, तो मेरे पास क्या कि कैश या फिर बैंक आएगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट आएगा। अच्छा भाई अब बताओ, या थोड़ा सा फोकस करो, जो श्याम जो डेटर बनेगा ना कितने का बनेगा वो बता रहा हूं। जैसे मान लो पहले 10,000 का तो बिल था, बिल कितने का, 10,000 का बिल था, ठीक है। मान लो जो हमने उससे जो चार्ज लिया है, जो हमने उससे जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया, जो नोटिंग चार्ज हमने उससे लिया है, मान लो 1,000 रुपए लिए, तो 1,000 रुपए यहां लिखूंगा। अब मेरा कितने का डेटर बन जाएगा, वो 11,000 का। अब कितने का बना डेटर, 11,000 का डेटर बनेगा। देखो अब भाई तुम सब ये सोच रहे हो यहां पे कैश और बैंक क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि अगर कैश बैंक, अगर मान लो अगर राम के पास पैसे आते हैं तो कैश या बैंक इसके पास डेबिट होना चाहिए था, नॉर्मल सी बात है। अगर मेरे पास पैसा आएगा तो कैश को या बैंक को मैं डेबिट करूंगा ना, लेकिन यहां पे क्रेडिट क्यों है भाई, ये अभी पेमेंट हुई नहीं है, सिर्फ बताएं अब तो इतने से डेटर बन गया मेरा, बात समझ आ रही है, इतने से तो मेरा डेटर बन गया है। अब ना भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें क्या समझ के चलनी है, देखो अब क्या होगा कि यहां पे भी एक केस ऐसा आ सकता है कि ना जो श्याम है, राम जो है श्याम से बोल सकता है तू 1,000 रुपए तुरंत पे कर दे मेरे को। अगर राम श्याम से बोलेगा कि तू मुझे 1,000 रुपए तुरंत पे कर दे, उस टाइम क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू जो श्याम का अकाउंट है, बात समझ आ रही है। देखो तुम्हें पहले ये पता लगा, हाँ ना नहीं, ऐसा रखूंगा ना खींच के। सुनो भाई यहाँ पे क्या है, श्याम अकाउंट पहले डेबिट हो गया 11,000 से, क्यों हुआ है? देखो पहले बिल्स रिसीवेबल था 10,000 का, उसके बाद नोटिंग चार्ज, हमने क्या बोला भाई, अब बात ऐसी है तू मेरे को 11,000 रुपए देगा, 1,000 रुपए किस चीज के हैं भाई, यहाँ पे नोटिंग चार्ज के हैं। यहाँ पे क्या है कि ये बोलेंगे नोटिंग चार्ज है। अच्छा भाई नोटिंग चार्ज कौन लेता है, नोटरी पब्लिक, ठीक है, नोटिंग चार्ज कौन लेता है, नोटरी पब्लिक होती है वो लेती है, ठीक है भाई थोड़ा याद रखना, मैं स्टार्टिंग बता था कि नोटिंग चार्ज कौन लेता है, जो नोटरी पब्लिक होती है वो, और किस चीज पे लेती है, बिल को डिसऑनर होने पर, ठीक है। अब सुनो भाई ये पता है जो हमारे पास 1,000 रुपए चार्ज है वो लेगी ही लेगी, क्योंकि बिल ऐसे नहीं बन जाता भाई। दूसरा केस ये हो सकता है कि राम बोल दे कि नहीं मैं नहीं चाहता, लेकिन नोटरी पब्लिक क्या बोलेगी, मैं तो लूंगा भाई, ये ध्यान रखे चलना। नोटरी पब्लिक बोलेगी कि भाई मैं तेरा बिल जो मैंने बनाया है मुझे चार्ज चाहिए, इसने बिल कैंसिल कैसे किया,
ठीक है। लेकिन अगर मान लो राम के बीच में खूब गहरी दोस्ती है, बोला नहीं भाई ऐसा चलेगा, ठीक है, मान लो कि खूब अच्छी दोस्ती है, तो लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर पाएगा, जो राम है कुछ नहीं कर पाएगा भाई उससे, तो बताओ पहली बात पहले क्लियर हो गई। दूसरा ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज की ना भाई बात हमारे पास आएगी जब हम दोबारा से न्यू बिल बनाएंगे, बात समझ में आ गई। देखो ये वाला केस तो हद तक पॉसिबल नहीं है भाई, देखो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया तो तुम्हें करना है, अगर ऐसा केस आ गया कि कोई भी चार्ज नहीं ले रहे तो क्या एंट्री कर दोगे, सिर्फ ये दोनों एंट्री करोगे, ये वाली व्हेन नो, अच्छा भाई तीसरा नहीं, सी ले लो इसको, ए बी सी, भाई जो दूसरा केस हम कब करेंगे, जब ना न्यू बिल की बात करेंगे तब, ठीक है, व्हेन नो चार्ज इज चार्ज्ड, भाई जब क्या कोई सभी चार्ज को चार्ज नहीं करेंगे उस टाइम नॉर्मल सी एंट्री होगी, श्याम मतलब कि जो ड्रॉई है अकाउंट डेबिट 10,000 से और टू जो बिल्स रिसेबल अकाउंट है 10,000 से, बताओ भाई इन बातों में पहले दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, भाई देखो इसके अकाउंट में तो मैंने एंट्री कर दी है वाली, लेकिन जो ड्रॉई है उसके अकाउंट में वो अपने अकाउंट में क्या एंट्री पास करेगा, देखो तो मैं ड्रॉअर के अकाउंट में एंट्री बता दी, पहले सेल्स की एंट्री होगी फिर बिल्स रिसीवेबल की, फिर क्या बिल डिसऑनर्ड की एंट्री होगी, बिल डिसऑनर्ड में क्या दो केस हो सकते हैं, पहला हम नोटिंग चार्ज लेंगे जो पहले लिखवा दिया व्हेन एक्स्ट्रा चार्ज, इसको बोलते हैं नोटिंग चार्ज इज चार्ज, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इज चार्ज, ठीक है, उसके बाद दूसरा मेरे पास क्या है व्हेन नो चार्ज इज चार्ज, ठीक है, दूसरे में जब कोई सा चार्ज चार्ज नहीं करते हैं, वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीजें, ठीक है, फिर भी अगर मान लो करते हैं तो व्हेन नो चार्ज इज चार्ज, तो उस टाइम क्या होगा कि यहाँ पर सिंपल श्याम का अकाउंट दोबारा डेबिट कर देंगे और जो बिल्स रिसीवेबल उसको क्रेडिट, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात थी, हमने ड्रॉअर के अकाउंट में एंट्री कर दी, अब बात करेंगे जो ड्रॉई है इसके अकाउंट में क्या एंट्री पास करनी। देखो सबसे पहली एंट्री क्या होगी भाई, परचेज की पहली एंट्री क्या होगी ड्रॉई के अकाउंट में, उसने सामान को परचेज किया होगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होगा भाई, दूसरे नंबर पे उसने जो एंट्री करी होगी वो क्या होगी, इसके पास बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने की, तो बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने की क्या एंट्री होगी, वो क्या करेगा राम का अकाउंट पहले डेबिट कर देगा और टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही पहले। अब सुनो भाई इसके पास जो बिल हो गया डिसऑनर्ड, क्या हुआ इसके पास बिल डिसऑनर्ड हुआ है, तो पहली एंट्री हम देखो इन द बुक्स ऑफ श्याम, इन द बुक्स ऑफ श्याम जिसको हम बोलेंगे ड्रॉई, ठीक है भाई ड्रॉई के अकाउंट में अगर हम एंट्री पास कर रहे हैं, पहली एंट्री किसकी होगी परचेज की, दूसरी एंट्री बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करने की, ठीक है भाई तीसरी एंट्री क्या होगी, तीसरी एंट्री होगी व्हेन बिल्स पेबल इज डिसऑनर्ड, अच्छा मतलब बिल्स रिसीवेबल इज डिसऑनर्ड, ठीक है, मतलब कि जब ये पेमेंट नहीं कर पाए, दूसरा ऐसा और बोल सकते हैं व्हेन ही कुड नॉट पे द मनी, भाई जब ये पेमेंट नहीं कर पाए ना उस टाइम हम एंट्री क्या पास करेंगे। अच्छा यहां पे बताओ पहले जो है जो राम है, थोड़ा भाई समझा एक बार, पहले जो राम है कितने का इसका डेटर था, मतलब कितने का क्रेडिटर था इसका, 10,000 क्रेडिटर था, अब उस 10,000 के क्रेडिटर को खत्म करने के लिए उसने दिया था इसको बिल, ठीक है, तो वो क्रेडिटर पहले 10,000 खत्म हो गया था और क्या जो बिल्स पेबल है एक नई लायबिलिटी बन गई थी, ये बात समझ में आ रही है। अब तीसरे में क्या हुआ भाई, पेमेंट ही नहीं कर पाया, तो वो जो क्रेडिटर था उसका पहले 10,000 का तो बन जाएगा वो, ठीक है, जो उसका क्रेडिटर था पहले 10,000 का दोबारा से उसका क्रेडिटर बन जाएगा, जो बिल्स पेबल है वो हो जाएगा खत्म, और भाई इन जनाब ने चार्ज करवाया था नोटरी पब्लिक से, नोटरी पब्लिक ने क्या है चार्ज किया है, तो उसकी भी तो लायबिलिटी बढ़ेगी इसके पास, ठीक है, देखो भाई इसकी क्या एंट्री पास करेंगे, सबसे पहला जो इसका बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल का जो अकाउंट है वो पहले डेबिट होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि इसका जो बिल है बिल्स पेबल कैंसिल हो चुका है, एक पहले नई लायबिलिटी थी वाली ये खत्म हो चुकी है, देखो जो इसमें बनाई थी मैंने जब बिल्स पेबल को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, तो वो वाली पहले लायबिलिटी खत्म। दूसरे नंबर पे क्या होगा भाई, इससे ना हमने एक नोटिंग चार्ज लिया है, इससे नोटिंग चार्ज लिया गया ना,
भाई ये जो इससे नोटिंग चार्ज लिया गया है इसके लिए इनकम है, एक्सपेंडिचर है, एक टाइप का लॉस हो गया ना इसका, ठीक है। तो लॉस इसके पास दोबारा से बढ़ गया, लॉस बढ़ता है तो डेबिट, ठीक है। तो जो मेरे पास नोटिंग चार्ज है, नोटिंग चार्ज का जो अकाउंट है हमने इसको कर दिया डेबिट, और कितना था भाई 1000 रुपए। ये बात समझ में आ गई। अब जो है राम इसका कितने का क्रेडिटर बनेगा, 11000 का बन जाएगा। तो टू राम अकाउंट, भाई जो मेरे पास क्या यहां पे ड्रॉवर है, ड्रॉवर अकाउंट, बताओ भाई ये बात समझ में आ गई। देखो सिंपल सी बात तुम्हें क्या ध्यान रख के चलनी कि ये पहले तुम्हें सारा का सारा आना चाहिए, इसके आने के बाद ही मान लो तुम अच्छे खासे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। अब सुनो मैं इसके ना एक आध क्वेश्चन देख लूंगा क्या क्या है, फिर जाके इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहले से नोट डाउन कर लो एक बार। सुनो भाई देखो अब जो हमारे पास क्या है कि व्हेन ड्रॉवर इज द होल्डर ऑफ द बिल। देखो अब ना हम जो इलस्ट्रेशन 8वां करने जा रहे हैं, जो मैं तुम्हें टॉपिक करवाया इसी का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। हम देखेंगे उसमें क्या क्या बातें मैं सामने निकल के आती है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अमर सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 टू भास्कर, ठीक है भाई। अमर ने जो अमर है, अमर ने गुड्स सोल्ड किया है भास्कर को, वो भाई उसने बेचा है 50,000 रुपए का। अमर ने सामान बेचा है 50,000 रुपए का टू भास्कर ऑन 1st जनवरी 2021, इतनी तारीख को बेचा है। कह रहे कि एंड ऑन द सेम डे ही ड्रॉ अ बिल ऑन भास्कर एट 3 months फॉर द अमाउंट। भाई अब क्या किया अमर ने, उसी दिन 3 महीने का इसके पास बिल ड्रॉ कर दिया। तो इसके पास आया होगा बिल्स रिसेबल, इसके पास आया होगा भाई बिल्स पेबल, ठीक है। जो अमर है उसके पास आया होगा बिल्स रिसेबल, और जो भास्कर है उसके पास बिल्स पेबल आया होगा, ठीक है। तो अब ना उसके बाद कह रहे कि द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बट इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। भाई पहले हम पता करते हैं हमारे पास ड्यू डेट क्या है हमारी। देखो जो 1st जनवरी है वो कौन सी डेट है, जब बिल हमें मिला है, ठीक है। 3 महीने की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास क्या 3 महीने की बात चल रही है। तो अपना यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात हम देखेंगे, देखो अब जैसे मान चलो मैं 3 महीने बोल दिया, 3 महीने पहले देखो जनवरी पूरा चला गया, ठीक है, फरवरी पूरा चला गया, मार्च पूरा चला गया, जनवरी फरवरी मार्च का महीना जो मेरे पास पूरा का पूरा चला गया। अब अगला महीना कौन सा आएगा, अप्रैल का। भाई हम इसमें कौन सी डेट 3 दिन जोड़ते हैं किस चीज के, देखो पहले मेरे पास क्या जनवरी पूरा खत्म, ठीक है, फिर जाके जो फेब है वो पूरा खत्म, जनवरी फिर जाके मार्च, मार्च पूरा खत्म। भाई मार्च के 31 तक फिर हम 3 दिन जोड़ेंगे किसके, 3 days ऑफ ग्रेस के। तो 3 दिन प्लस कर दो डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है। तो भाई 3 दिन का यहाँ पे पहले समझो मतलब क्या होता है। देखो अगर किसी को 3 में और 4 में कंफ्यूजन है तो बताओ, देखो मैंने सिंपल सी बात सोचो, अगर भाई मैं किससे बोलता हूँ कि जा तेरे को 3 दिन की मोहलत दी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 दिन छोड़ दिए ना, 4th दिन जाएगा। चलो मैं तो मैंने तुम्हारे एग्जाम की बात लेकर चलता हूँ, मैंने ऐसा बोला कि भाई 2 दिन मतलब कि तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और उस पर जाके एग्जाम है तुम्हारे, तुम क्या सोचोगे कि दूसरे दिन के रात वाले रात में एग्जाम होंगे, ऐसा नहीं होगा ना, अगले दिन जाके एग्जाम होंगे। तो वही 3 दिन मेरे पास है 3 days ऑफ ग्रेस, तो हम अप्रैल के महीने पहुंच गए, ठीक है, अप्रैल में अप्रैल के 3 दिन छोड़ दिए, अप्रैल के 3 दिन छोड़ दिए, तो 4th अप्रैल को 4th अप्रैल 2021, ये क्या भाई हमारी, ये है हमारी ड्यू डेट, ठीक है। तो जो ड्यू डेट है अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या मेरे पे ड्यू डेट है, तो भाई इस तारीख को पेमेंट मिलनी चाहिए थी ना। अब क्या हुआ, हम गए इसके पास जो भास्कर है उसके पास पैसे लेने, भास्कर ने बोला भाई आई डोंट हैव मनी, भाई हम क्या है भास्कर के पास पैसे लेने गए, तो भास्कर ने बोला पैसे नहीं मेरे पे, ठीक है, ये गया उसके पास पैसे लेने के लिए, और फिर भास्कर ने क्या बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो बिल क्या हो गया 4th तारीख को डिसऑनर हो गया। भाई ड्यू डेट को मेरे पास जो बिल है वो क्या हो गया डिसऑनर। उसके बाद ना भाई देखो उसने क्या बोल रखा है कि अमर पेज 1000 एज नोटिंग चार्ज। भाई देखो अब ना यहां थोड़ा सुनो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि अमर पेड, भाई अमर ने क्या किया पेड किया है, अमर पेज 1000 एज नोटिंग
चार्ज। अब भाई तुम सब ना यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सी बात समझ जाओ, अगर तुम इस चीज को समझे ना तो और सबसे जो तुम्हारे लेवल के हैं उन सबसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे चलोगे, ठीक है। अब सुनो भाई, ये जो 1000 रुपए है, कौन क्या लिखा हुआ है, अमर ने पे किया है, ठीक है। बोला अमर, अमर पे कर रहा है भाई, अमर क्यों पे करेगा, जरा खुद कॉमन सेंस लगाओ एक, अमर क्यों पे करेगा भाई। सुनो, बिल जो है, बिल किसने, ये मान के चलो कैंसिल किया, भास्कर ने, तो भास्कर को पे करना चाहिए था ना जो बिल है भास्कर ने कैंसिल करवाया, डिसऑनर भास्कर से, भास्कर के चक्कर में हुआ है, ठीक है, तो भास्कर को पे करना चाहिए था। पता है, मैं तो बताया था जो बिल बनता है कौन बनाता है उसको, नोटरी पब्लिक बनाती है, बात समझ आ रही है। तो बिल किसने बनवाया था, बिल बनाया था राम ने, राम ने बिल बनवाया था, अच्छा जो अमर ने, ठीक है राम हो गया, तो सुनो जो बिल है वो अमर ने बनवाया था। तो भाई अगर अमर ने बिल बनवाया है तो पेमेंट कौन करेगा भाई उसकी, इसके चक्कर में बिल खराब हुआ ना, तो अमर, अमर करेगा, अमर को आया गुस्सा है, तेरे चक्कर में मेरा ही हुआ है, अब तू देगा पैसे, ऐसे दोगा भाई। तुम्हें क्या बात ध्यान रख के चलनी है, जिसके चक्कर में बिल डिसऑनर हुआ है वही पेमेंट करेगा नोटिंग चार्ज की, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो इसने पे कर दिया, यहाँ पे जो है जो अमर है उसने पेमेंट कर दी पैलेस की, जो नोटिंग चार्ज है 1000 रुपये पे कर दिया, ठीक है। लेकिन भाई इसको एक्चुअल में बियर कौन करेगा, भास्कर, भास्कर में आ रही है। तो अब देखो हम यहाँ पे इसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो सुनो, पहले हम कह रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अमर, इन द बुक्स ऑफ अमर। अच्छा भाई, पता है जो तुम्हारे स्कूल के टीचर वगैरह क्या क्या तुम्हें बातें बताएंगे, वो बोलेंगे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देखो, कुछ कुछ क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ अमर नहीं, और यहाँ पे चेंज कर लो भास्कर आएगा, ठीक है, वो पक्का बोलते हैं ऐसा, ठीक है। सुनो भाई देखो, अब क्या है कि मेरे पास, मैंने क्या बताया, देखो पता है तुम्हारे स्कूल टीचर क्या बोलते हैं, बच्चों यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको चेंज करना। और भाई मैं बताया, मैं गारंटी बता रहा हूँ कि जब ना मैं पढ़ता था ना, उसने मुझे चेंज करवाया था, ठीक है, जो हमारा टीचर था उसने चेंज करवाया था मेरे को, मेरे पास जो मेरी बुक पढ़ी मैंने उसको बेच दिए, मैंने तुम्हें दिखा था कि हाँ भाई ठीक है, मैंने किसी को दिया पढ़ने के लिए, तो उसको चेंज करवा रखा है उसने, मतलब ऐसे ही कुछ नाम था, चेंज करवाया। लेकिन जब मैं भाई अपने सीए में आया ना, तो तब जाके मुझे पता लगा भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर नोटरी पब्लिक होती है, उस नोटरी पब्लिक को पहले अमर पेमेंट करेगा, फिर अमर को आएगा गुस्सा, हो जाएगा भास्कर के पास, पैसे दे, बात समझ में आ रही है। अब जो भाई यहाँ पे होगा, सुनो पहले ये बात समझ में आ रही है कि ये अमर पे क्यों कर रहा है, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। अपने टीचर से पूछना सर यहाँ पे, या फिर जो मैम है पूछना है, अमर क्यों पे कर रहा है, डिसऑनर तो भास्कर ने किया है ना, ये बात। तो भाई हमारे पास इन द बुक्स ऑफ अमर एंट्री करेंगे पहले, तो जर्नल पहले भाई फॉर्मेट बना लो उसका, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो डेबिट, यहां पे आ गया तुम्हारा क्रेडिट, तो भाई पहला हमारे पास है डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो डेबिट क्रेडिट। अब सुनो भाई, सबसे पहले हमारे पास सेल की एंट्री करेंगे, तो पहले सेल की एंट्री देखो कब की है भाई, सेल 1 जनवरी की है, 2021 की बात चल रही है और 1 जनवरी की बात है, ठीक है। तो इस टाइम जो हम एंट्री का पास करेंगे कि हमने सामान इसको बेचा है भास्कर, तो भास्कर, भास्कर अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, अच्छा भाई सर ठीक है, तो कितने का, 50,000 का है, 50,000। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बींग द गुड्स सोल्ड टू भास्कर ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, बताओ भाई पहले यारी बातें क्लियर है। दूसरा मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट जनवरी को, तो भाई अब जो सेकंड उसी दिन बिल बनाया ना, बिल जो बनाया सेम डेट को बिल बना हुआ है, तो अब क्या करेंगे, जो भास्कर पहले हमारा डेटर बना था वो डेटर पहले खत्म हो जाएगा, और मेरे पास क्या है नया, मतलब कि मेरे पास नई एसेट्स आ जाएगी, क्या नाम होगा उस एसेट्स का, बिल्स रिसीवेबल। तो यहां पे क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000 से,
टू भास्कर अकाउंट 50,000। भाई यहां पे क्या बात हुई थी, बिल्स रिसीवेबल इसके पास आ गया। बिंग द बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम भास्कर। भाई भास्कर से क्या है, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड हो गया है। बताओ पहले ये दो एंट्री क्लियर है, ठीक है भाई। इसके बाद थर्ड एंट्री यहां पर देख लो एक बार, तुम्हारा डेट और फिर है पर्टिकुलर लेजर फॉर लियो डेबिट का अमाउंट, फिर ये क्रेडिट का अमाउंट है। भाई सुनो अब तीसरी एंट्री में क्या हुआ है, ठीक है सुनो, हमें भाई यहां पे समझना है कि तीसरी एंट्री के अंदर हुआ क्या था। बिल जो है डिसऑनर्ड हुआ है, ठीक है। अच्छा सुनो, जब बिल डिसऑनर्ड हुआ था उस टाइम के 50,000 रुपए तो पहले बिल के चले गए होंगे, यहाँ पे क्या हुआ बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो भाई हमें ना पहले जो मैं तुम्हें एंट्री लिखवाई थी थोड़ी देर पहले वाली, वो याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब क्या होगा, जो पहले हमारा डेटर था भास्कर, ठीक है, भास्कर को पहले हमने काम, देखो पहले हमें भास्कर डेटर था मेरा, इसके बदले उसने मुझे बिल दिया तो मैं उसको डेटर खत्म कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि मैं बिल भी कैंसिल हो गया, अब क्या हुआ बिल भी कैंसिल हो गया। तो बिल मेरे पास असेट्स थी पहले, अब खत्म, असेट जब खत्म हो उसे क्रेडिट कर देते हैं। भास्कर मेरा दोबारा से डेटर बन गया, भास्कर क्या दोबारा से डेटर बन गया। डेटर कितने का बनना चाहिए था, 50,000 का बनना चाहिए था, लेकिन भाई नोटरी पब्लिक ने मेरे से चार्ज लिया 1,000 रुपये, तो किससे लूंगा मैं, भास्कर से लूंगा ना भाई, तेरे चक्कर में हुआ है। तो अब क्या है कि नोटरी पब्लिक के जो हमारे पास 1,000 रुपये हैं, हम किससे लेंगे, वो भास्कर से लेंगे, ठीक है। तो अब जो है भास्कर मेरा कितने का डेटर बनेगा, 51,000 का होगा, ठीक है। क्योंकि देखो पहले जो भी नोटरी पब्लिक मेरे से चार्ज लेगी, मतलब कि मैं जिसके अकाउंट में एंट्री करता हूँ, पहले खुद को वो मान लेता हूँ अमर मैं हूँ अभी, ठीक है। तो भाई कॉमन सेंस की बात है कि अगर मेरे से नोटरी पब्लिक ने इसके चक्कर में, भास्कर के चक्कर में अगर मेरे से 1,000 रुपये लिए, तो क्या करूँगा मैं भाई, जो 1,000 रुपये किससे लूँगा मैं, भास्कर से। तो अब जो भास्कर है कितने का डेटर बन जाएगा, 51 का। अब सुनो तो पहले क्या करेंगे, मेरे पास जो बिल्स, मतलब कि पहले भास्कर से डेबिट करेंगे, भास्कर अकाउंट डेबिट, भाई जो भास्कर का जो अकाउंट है उसको पहले डेबिट करेंगे हम, तो बताऊंगा कितने से करेंगे, ठीक है। पहले मेरे पास जो बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल का जो अकाउंट है पहले क्रेडिट हुआ है, भाई कितने का हो गया, 50,000 रुपए का, खत्म। उसके बाद अच्छा यहां बताओ मैं यहां पर नोटिंग चार्ज लिखूंगा या कैश लिखूंगा, बैंक लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ठीक है, कैश या बैंक दोनों में से कुछ एक। क्योंकि भाई अब सुनो कैश और बैंक क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि भाई मैंने पेमेंट करी उस बिल के ऊपर, ठीक है, मेरा क्या कैश और बैंक मेरा कम हो गया उस टाइम मेरा कैश बैंक कम हुआ होगा ना। देखो कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे जो है जो नोटिंग चार्ज किससे लिया गया है, मेरे से लिया गया, तो मेरा कैश बैंक कम हुआ होगा ना इस चक्कर में, तो मेरा कैश बैंक कम हो गया। उसके बाद जो मैं पैसे किससे लूंगा, भास्कर से, मैंने भास्कर को उतने का डेटर बना दिया। बात समझ आ रही है भाई, देखो मेरा क्या हुआ, या तो कैश से मैंने पेमेंट करी होगी या फिर बैंक से पेमेंट, मतलब मेरा जो कैश या बैंक के जो 1,000 का जो कम हुआ है, मैं लूंगा भाई भास्कर से 51,000। तो यहां पे क्या, बिंग द डिसऑनर्ड ऑफ बिल, भाई यहां पे क्या, मेरा जो बिल है डिसऑनर्ड हुआ है। अब सुनो भाई मैं तो मैंने दोबारा बता रहा हूं, मैं कैश और बैंक को अपने कम क्यों कर रहा हूं, भाई अपना कैश और बैंक मैं इसीलिए कम कर रहा हूं क्योंकि मैंने नोटरी पब्लिक को जाके पेमेंट करी है 1,000 रुपए की, और किसके ऊपर, इस बिल के ऊपर पेमेंट करी है, ठीक है। ये बात पता लग रही है, मैंने कैश और बैंक यहां पर क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मैं अमर हूं और मैंने नोटरी पब्लिक को 1,000 रुपए दिए, ठीक है। तो जो मैंने 1,000 रुपए दिए वो तो ठीक है, मैंने अपने कम कर दिए, किससे लूंगा मैं, भास्कर से लूंगा, तो मैंने भास्कर को थोड़ा और बढ़ा दिया डेटर, भाई ये 1,000 रुपये भी तू ही देगा। बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे अच्छा भाई यहाँ पे ना कंपाउंड एंट्री होती है, मतलब कि ना देखो वैसे एक्चुअल में एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कि देखो एंट्री ऐसी होती कि नोटरी पब्लिक अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ऐसा होता, क्योंकि मैं नोटरी पब्लिक को दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जो नोटरी पब्लिक का जो खर्चा है वो किसके मध्य में आता, जो भास्कर है उसके। देखो एक्चुअल में एंट्री क्या होती, ऐसी एंट्री होती जो नोटरी पब्लिक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या करता भाई मैं 1,000 रुपये टू, मान लो कैश कर देता, टू कैश अकाउंट 1,000 रुपये,
फिर ये जो मेरा खर्चा हुआ है, मैं खर्चा किससे लेता? भास्कर से, भास्कर से लेता, तो अब मैं करता भास्कर का अकाउंट में डेबिट करता, भास्कर का जो अकाउंट है उसको करता मैं डेबिट 1000 से, और टू जो मेरे पास नोटरी पब्लिक का अकाउंट है मैं उसको यहाँ पर क्रेडिट कर देता। तो भाई देखो मैंने क्या किया, मैं देखा नोटरी पब्लिक बिना बात के आ रहा है, ठीक है, देखो पहले डेबिट हुआ पहले, ठीक है, फिर मैंने कम कर दिया, पहले डेबिट हुआ था फिर कम कर, देखो ये बढ़ गया मेरे पास, फिर मैंने इसको कम कर दिया। तो मैं इसको क्यों पास करूं भाई, मैं सिंपल सा भास्कर से ले लेता हूं, मैं सीधा भास्कर का अकाउंट वैसे भी डेबिट करना है तो भास्कर का अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, और टू जो मेरे पास कैश है, टू कैश अकाउंट। भाई ये एंट्री हमारे पास, मैंने इन दोनों एंट्री के बदले इस एंट्री को पास किया है, बात समझ आ रही है? तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, देखो तुम्हें अगर तुम इन दोनों को भी करते कोई दिक्कत नहीं आती, अगर तुम इस एंट्री को पास करते कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारे भाई स्कूल के टीचर को पता हो ना पता हो, या तुम्हारी मार्किंग स्कीम होती है उसमें ऐसा लिखा हो ना लिखा हो, दिक्कत आ सकती है। हमारे लेवल पे हम इसको कर देंगे ना, हमारे जो टीचर है वो समझ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे टीचर नहीं समझेंगे क्योंकि उन्हें खुद नहीं आता हो भाई, ठीक है। तो भाई तुम्हें इसी एंट्री को पास करना, ये बात पता लगी, ये एंट्री कैसे पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। भास्कर को मैंने 1000 से डेबिट कर दिया और फिर अपना कैश को 1000 से कम कर दिया, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली ये वाली एंट्री पास कर दिया। तुम इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई पहले इसे लिखना है, समझने के लिखना तो लिख लो, वरना कोई ना, ठीक है। मैं इसके बाद जो दूसरा है उसके अकाउंट में एंट्री करा रहा हूँ, भास्कर के अकाउंट में, इन द बुक्स ऑफ भास्कर। अब क्या है भाई, इन द बुक्स ऑफ भास्कर, इन द बुक्स ऑफ भास्कर। भाई अगर भास्कर के अकाउंट में एंट्री कर रहा हूं मैं तो क्या एंट्री पास होगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, डेट फिर जाके मेरे पास आ गया अगला पर्टिकुलर, वहां पर भी बोल गया है, डेट पर्टिकुलर, जाके डेबिट का अमाउंट ऑफ है, क्रेडिट का अमाउंट है, डेबिट यहां पर क्रेडिट, पर्टिकुलर लेजर फॉलियो डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। भाई सुनो, सबसे पहले इसमें परचेज करी होगी, परचेज की एंट्री, फिर बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री, ये एंट्री तो हमें भाई आती होगी आराम से। तो पहले मेरे पास क्या है, 2021 की जो बात चल रही है उसमें जो एंट्री पास करेंगे उसे कर देते हैं 2021, और फिर जाके फर्स्ट ऑफ जनवरी। तो भाई क्या हमने परचेज करा था ना, तो हमें परचेज की एंट्री पता है, परचेज अकाउंट डेबिट और टू। भाई देखो परचेस अकाउंट में डेबिट किया है और क्या होगा, किससे खरीदा हमने, अमर से, टू अमर अकाउंट, और कितने खरीदा भाई हमें, इसको परचेस किया है 50,000 रुपए का, 50,000 का, बिंग द गुड्स परचेज, बिंग द गुड्स परचेज फ्रॉम अमर ऑन क्रेडिट, ठीक है भाई। पहले में यह वाली एंट्री पता होनी चाहिए। दूसरे में क्या किया हमने, इस सेम डेट को, अब जो भाई इसने बिल्स, जो बिल्स पेबल है उसको एक्सेप्ट किया है इसने, अब ये जो अमर जो मेरा क्रेडिटर था ये खत्म हो जाएगा और नई लायबिलिटी बनेगी किस नाम से, बिल्स पेबल के नाम की, ठीक है। तो अमर का अकाउंट पहले करेंगे डेबिट, अमर अकाउंट डेबिट 50,000 से, और टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट है, ठीक है भाई। कितने का मेरे पास है, 50,000 रुपए का। भाई यहां पे देखो ये दो एंट्री तुम्हारी पहले कॉमन है, बिंग द बिल पेबल इज एक्सेप्टेड, ठीक है, जो मेरे पास बिल्स पेबल इसको क्या पहले एक्सेप्ट कर लिया गया, बताओ यहां तक की तो एंट्री पहले वाली है। अब दूसरी एंट्री मेरे पास जो तीसरी एंट्री है, मतलब 4 तारीख वाली जो एंट्री है उसमें क्या होगा मेरे पास, देखो भाई अब जो 2021 और 4th ऑफ अप्रैल है ना भाई, इसकी ना इसका डेट डाल देना 4 अप्रैल की, ठीक है, ये वाली 4th ऑफ अप्रैल
2021, क्योंकि भाई 4 तारीख को हमारा बिल क्या है, डिसऑनर्ड हुआ है, तो 4th of April है, 4 अप्रैल है। सुनो भाई, अब यहाँ पे समझो, जो मैं तुम्हें देखो क्या बात बताई थी मैंने, अमर को पहले हमने अपना जो पहले मेरा अमर क्रिएटर था उसको पहले मैंने खत्म कर दिया था, कैसे, बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करके। अब क्या हुआ, ये बिल कैंसिल हो गया, ये जो बिल है कैंसिल हो गया। भाई अगर बिल कैंसिल हो गया तो क्या करेंगे इस बिल का, मेरे पास लायबिलिटी थी पहले, अब लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, जो बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी खत्म, ठीक है, तो इसको पहले मैं कर दूंगा कितने का, डेबिट कर दूंगा 50,000 से। तो पहले मेरे पास ये लायबिलिटी खत्म हुई है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक है। उसके बाद ना भाई इसके पास खर्चा आया, खर्चे का नाम क्या होगा, नोटिंग चार्ज होगा, क्योंकि भाई ये जो राम है वो अमर जो है, ठीक है, अमर क्या करेगा, इससे नोटिंग चार्ज लेगा, तो खर्चा किससे, इससे लेकर चल रहा है, तो नोटिंग चार्ज इससे लेगा भाई, अब नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, और कितने का आइए, 1,000 का। तो भाई अब जो अमर है, अमर इसका कितने क्रेडिटर बन जाएगा, 51,000 का बनेगा ना, तो भाई यहां पे टू अमर अकाउंट और कितने का भाई, 51,000 है, तो क्या लिखेंगे, बिंग द डिसऑनर्ड ऑफ बिल, डिसऑनर्ड ऑफ बिल। भाई ये मेरे पास नॉर्मल सी एंट्री हुई है, ठीक है, हमें ना इतना आना चाहिए, बताओ पहले भाई यहां तो दिक्कत है पहले किसी को, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखो नई बात क्या समझनी थी यहां पे, ये वाली कि अमर पेस 1000 एज ए नोटिंग चार्ज, ठीक है, अमर ने पे किया, उसके बाद मैंने तुम्हें इसकी जो एंट्री थी वो बता दी थी कि हाँ भाई ये एंट्री इस तरीके से हुई थी, हमने उसको कैंसिल किया एंट्री को, उसके बाद जाके इससे चार्ज किया है, और यहां मैंने तुम्हें सेम एंट्री बता दी है, ठीक है। तुम्हें पहले ये आना चाहिए, इसके जितने तुम्हारे पास जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसको पहले कर लो, ठीक है, वरना दिक्कत भाई साहब आ सकती है तुम्हें, या फिर देखो अगर भाई इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ना करने हो ना, वो कम से कम इन्हीं क्वेश्चन को ना बार बार रिवाइज करेगा, हर बार रिवाइज किया करो, जितना मैं कराता हूँ ना, अगर तुम इसी को बार बार रिवाइज करते रहोगे तो ये मान लो एग्जाम तो अच्छा जाएगा, तुम्हें भी अच्छे से आ जाएगा, तो इस बात में दिक्कत तो नहीं है भाई। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम दो केस कम से कम कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा केस था, डिसऑनर ऑफ बिल व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। हमारे पास क्या है कि बिल को, यहाँ पे बिल हमारा डिसऑनर हुआ है, कब हुआ था, जब हमने जो मैच्योरिटी डेट तक हमने बिल को अपने पास रखा था। अगला जो कराएंगे वो हमारे पास है डिस्काउंटिंग चार्ज वाला, ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास क्या होगा, जो अमर है या फिर जो पर्सन होगा, जो ड्रॉवर होगा, अगर वो बिल को लेके जाएगा बैंक के पास, डिस्काउंट करवा लेगा, अगली क्लास ये वाली होगी, ठीक है। तो देखो क्या क्या है।